आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको F6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम कैसे आती है। देखिए, हमारे फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना, लगभग फुल हो जाता है या फिर बिल्कुल ही फुल हो जाता है, तब जाके हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में ना जितने भी फालतू के ऐप्स हैं उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको जो है ना बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, तो जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। गैलरी को ओपन करते ही देखिए सबसे ऊपर आपको ये प्रोफाइल पिक्चर नजर आती है, प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है, आपका ये पेज आता है। इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो ये बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे बैकअप सेटिंग ऑन दिखाई देती है ना आपके फोन में, तो आपको जो है नीचे की साइड जो है ऑफ का बटन दिखेगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा हुआ दिखाई देगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। इसी तरीके से और भी जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में भी बैकअप सेटिंग को बंद करना है। एक काम ये भी करना है, आपके फोन की जो गैलरी है ना, फोन की गैलरी में आपकी जितने भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट करनी है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जो भी बाकी का बचा हुआ डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।